अंजड़ नवीन थाना भवन में आगामी त्योहारों को लेकर के गणेश उत्सव, अनंत चतुर्दशी, गणेश विसर्जन के उपलक्ष्य में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस थाना अंजड़ के सभी गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, समस्त पत्रकार बंधु, गणेश पांडाल समिति प्रमुख, झांकी आयोजन समिति प्रमुख उपस्थित। डीएसपी कुंदन मंडलोई, तहसीलदार श्री भागीरथ वाखला, सीएमओ नगर परिषद अंजड़ श्री मायाराम सोलंकी, एमपीपीबी प्रमुख श्री नेहरू रावत द्वारा भी उक्त बैठक में शामिल हुए। नगर में निकलने वाले झांकियों की व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक का प्रमुख बिंदु अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाली झांकियों में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, झांकियों का रूप तय किए गए, डीजे पर किसी प्रकार के सांप्रदायिक या विवादित गाने नहीं बजाने, आयोजन समितियों द्वारा वॉलेंटियर रखने, मार्ग उप पुलिस अधीक्षक अजाक से कुंदन मंडलोई द्वारा किया गया थाना प्रभारू सोनू शीतोले भी मौजूद रहे। आज हम अंजड़ थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी आने वाले त्यौहार, जिसमें मुख्यतः गणेश जी विसर्जन और अनंत चतुर्दशी के दिन झांकियाँ जो निकलना है उसके बारे में चर्चा की गई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि झांकियों का जो रूट डिसाइडेड है पहले से, उसी पे झांकियाँ निकलेंगी, किसी भी प्रकार के उत्तेजक और भड़काऊ गाने नहीं बजाए जाएंगे। इसके साथ ही सभी लोग जो झांकियाँ निकालेंगे वो अपने अपने न्यूनतम संख्या जो तय की गई है उतने वॉलंटियर रखेंगे। कितनी संख्या में झांकियाँ निकलने की अभी अपने को सूचना प्राप्त है? अभी हमारे पास में 5 झांकियों की सूचना प्राप्त है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग 2 दिन में हमें तय करके बताएंगे, ये संख्या आगे पीछे बढ़ घट सकती है। सर, गणेश विसर्जन को लेकर के शासन के द्वारा क्या निर्देश दिए गए आम जनता को? जैसा कि 9 तारीख को गणेश विसर्जन है, परंतु अंजड़ कस्बे में 10 और 11 दो दिन को गणेश विसर्जन होंगे, जिसके संबंध में नगर परिषद अंजड़ के द्वारा 2 जगह पर विसर्जन की व्यवस्थाएं की गई हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन का बल, पुलिस का बल और नगर परिषद का बल उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा घाट जो हैं वहां पर भी पुलिस का बल उपलब्ध रहेगा, जो कि सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान रखेगा। धन्यवाद। बीकनगांव नगर में